এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ উত্তর চব্বিশ পরগনার ঠাকুরনগরে এক জনসভায় বক্তব্য রাখছেন। और भी कई लोग हैं नाम शूद्र समाज के, हर जाति से बांग्लादेश के से शरणार्थी के रूप में यहां पर लोग आए हैं। 70-70 साल हो गए, उनको ना नागरिकता मिलती है ना सम्मान मिलता है। जब विभाजन हुआ, कांग्रेस के नेताओं ने वादा किया था कि जो भी हिंदू शरणार्थी आएंगे हम सबको नागरिकता भी देंगे, उनको सम्मान भी देंगे और उनको गले से भी लगाएंगे। गले लगाना तो दूर रहा, नागरिकता नहीं दी। 2018 में हमने वादा किया था कि 19 में नरेंद्र मोदी सरकार चुनकर लाई है, हम सिटीजनशिप में अमेंडमेंट कर कानून लाएंगे जो मेरे मतवा समाज के भाइयों को भारत की नागरिकता देगा, भारत की नागरिकता देगा। हमने 2018 में वादा किया था, 19 में मतवा समाज ने हमारी झोली कमल के फूलों से भर दी, मोदी सरकार बनी और हमने तनिक भर भी देर नहीं की, 2020 में ही हम सीए लेकर आए और आज कानून अस्तित्व में आए। बीच में